नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा लेडीज शू लाई हूँ जो दोनों पैरों में एक जैसा ही बनता है। आप इसे किसी भी पैर में पहन सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जूती बनाते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पर सिंगल वुल से 25 फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद ये हमारा पहला लाइन है और सामने से, तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल फंदे हो गए 6। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदे को उल्टा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा कलर अटैच किया था, तो यहीं तक हम बुनेंगे और फिर यहीं से हम वापस लौट जाएंगे। इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा प्राइमरी कलर का धागा यहाँ पे है, तो अब हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ हैं, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना तीसरा कलर अटैच कर लिया। अब तीसरे कलर के उल से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, शेष अगला फंदा स्लिप करेंगे, उनको ऐसे लपेटते जाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, उल्टा स्लिप, उल्टा स्लिप, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सामने की तरफ आ जाते हैं, पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और
और यहाँ तक के फंदों को जहाँ पे हमने अपना तीसरा कलर अटैच किया है, यहाँ तक के सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को भी और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। जहाँ पे हमने फंदे अटैच किए थे वहाँ तक के सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब हम यहीं से लौट आएंगे, इन 6 फंदों को हम नहीं बुनेंगे और फिर यहीं से हम अपने प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं, तो पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर सभी फंदों को, पूरी लाइन को हम उल्टा बुन लेंगे। तो जब हम प्राइमरी कलर के उल से, जब हम सामने की तरफ से प्राइमरी कलर के उल से बुनेंगे तो सभी फंदों को, यानी 25 फंदे जो हैं, इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। लेकिन जब हम सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, यानी किसी अन्य कलर से बुनेंगे, तो हम इन 6 फंदों को, लास्ट के 6 फंदों को नहीं बुनेंगे और यहीं से वापस लौट जाएंगे। अब देखिए, हमने 25 फंदों को, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हम अपना चौथा कलर अटैच कर लेंगे और चौथे कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा और इसे हम ऐसे लपेटते जाएंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। यानी एक फंदा हमें स्लिप करना है और अगले फंदे को उल्टा बुनना है। और सामने की तरफ से पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालना है, ऊन को अपनी ओर करना है और जहाँ से हमने एक चौथा कलर लगाया है यहाँ तक के सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। लास्ट के 6 फंदों को छोड़कर शेष सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। अब देखिए, हमारा ये मेन कलर जो है यहाँ पे है और अब इसी ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस धागे को ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे और फिर शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया। 2 लाइन बुनने पर एक उल्टे फंदों की धारी आएगी। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 धारियां आ गए हैं, यानी हमने 12 लाइन कंप्लीट किया है। तो इन्हीं 12 लाइनों को हमें बार बार दोहराना है। देखिए, एक बार मेन कलर से बुनने के बाद ये देखिए 1, 2, 3 इन 3 कलर को हमें दोहराते जाना है। तो इन्हीं 12 लाइनों को आप भी बुनिए। इन्हीं 12 लाइनों को दोहराते हुए मैंने ये उल्टे फंदों की 88 लाइन बना लिया है। इस जूती के लिए मैंने 88 लाइन बनाया है। 7 नंबर पैर के लिए 88 लाइन, 88 ये रोज। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे 88 रोज तैयार हो गए हैं। तो
अब हमें इन धागों का कोई काम नहीं है, तो हम इसे काट देंगे। और गांठ लगा देंगे। अब हम इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें सिलाई करनी है और इस लूप से हम धागे को निकाल के कस लेंगे। तो ये हमने जूती तैयार कर ली। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए हम इसे ऐसे उल्टा फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो धागे हैं, तो एक धागे से हम ऐसे सिलाई करेंगे और दूसरे धागे से ऐसे तले की तरफ हम सिलाई करेंगे। तो हमने सुई में धागा डाल लिया है और देखिए ये हमने जो फंदे उतारे हैं तो एक सीधे फंदों की लाइन इस साइड भी आई है और देखिए एक इस साइड भी। तो अब हम ऐसे सिलाई करना शुरू करेंगे। एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में, या फिर आप जैसे भी सिलाई करते हो आप कर सकते हैं। और इन सभी धागों को हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम ये दूसरे धागे में सुई डालेंगे और सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए जो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं उसी में एक बार इस साइड में और एक बार दूसरे साइड में। इसे पूरे सीधे फंदे को हम ले लेंगे। और हम यहाँ पे आधे इंच छोड़ के पूरे तले की सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई करते हुए आधा इंच रहने तक सारी सिलाई कर ली है।
अब हम यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं और अब हम राउंड मेथड से सिलाई करेंगे। यानी देखिए, एक साइड से सिलते हुए हम दूसरी साइड की तरफ आएंगे। जितने सीधे फंदे हैं सब में ऐसे सुई डालिए और निकालते जाइए। तो हमने एक तरफ से शुरू किया और हम दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। अब हम ऐसे धागे को खींचेंगे। देखिए, एक छोटा सा छेद रह गया है, इसे हम ऐसे सिल के भर देंगे। तो ये हमारा जूता बनके तैयार हो गया। अब हम ऐसे ऐसे इसको सीधा करेंगे। देखिए, हमारी सुंदर सी जूती बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, जूती बनके तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत है और कितना फिट आया है। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये जूती डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।